राज्य में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली वितरण निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व रिपोर्ट ARR दाखिल की है, जिसके आधार पर टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम ने 7400 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2600 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2500 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल टैरिफ पिटीशन में बिजली वितरण निगम ने 20% तक दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि बीते 3 वित्तीय वर्षों में बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं रहने के कारण इस वित्तीय वर्ष में बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अधर में लटक गया। नए बिजली दर पर अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग लेगा। आयोग इसके लिए तमाम तकनीकी औपचारिकताओं का निपटारा करेगा। इसके बाद सभी 5 प्रमंडलों में जन सुनवाई कर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 3 से 4 माह का समय लग सकता है। अभी राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तय किया गया बिजली दर लागू है। बिजली वितरण निगम के बोर्ड की बैठक बुधवार को हुई। इसमें राज्य सरकार से 500 करोड़ रुपए के ऋण का प्रस्ताव भेजा गया। उल्लेखनीय है कि बिजली क्रय का बकाया वसूलने के लिए निगम ने ऋण लेने का निर्णय किया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद निगम को ऋण मिलेगा। इसमें 3-4 दिन लगने की संभावना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।